केरल दे पंजवें भागे च मैं थोए लेने चलदी है गोल्डन सैंडवीज। ते इस मुंदरे दा एक ऐसा किनारा है ना जिथू सुनहरी रेत है, ता चला थोए दसदी है एक दे किनारा है कने कदे सुनहरी दे रेत है। ता इथू तक जाने ताई अहें लेना पौनी है एक बोट, ते एक बहुत बड़ी नदी है तिसे यहाँ क्रॉस करना है एक बोटा दे थ्रू। फिर तिसा बोटा दे अग्गे जेड़ा एक छोटा जिहा किनारा है, तिसते सामने ही एक गोल्डन सैंडवीज है। ता ये जेड़ा नजारा है थोए बोटा दी दसा दी है, ये बहुत ही खूबसूरत है। ता थोआ दिखदे ही बढ़ना है, थोआ भी बोलना है कि बड़ा छैल है। ता चा जिथू भी थोआ दिखा देन चारों तरफ जेड़ा है ना हरियाली हरियाली है, कने पूरा दा पूरा जंगल जेड़ा ना मैंग्रोव फ्रूट दा है जेड़ा कि एक पॉइजन है। ता इस टाइम इस ये पूरा बहुत ही बड़ा जंगल है, तो इसीओ गुजरदे गुजरदे काफी टाइम लगना। तो तीच मैं थोड़े दसती है कि ये इसा फिल्म एक इंग्लिश मूवी है एनाकोंडा, उसकी शूटिंग जेड़ा है इस पूरे जंगले च हुई हो। ये जेड़ा नदी है बीच जेड़ा एक जंगल है जेड़ा कि थोड़ा दिखा दे बड़ा छैल लगा दा जिस यहाँ क्रॉस करा दे। तो इस च जेड़ा ना पूरी पूरी एनाकोंडा फिल्म की जेड़ा है ना शूटिंग हुई हो। तो इथू मुझे पता लग गया, तो मैं सोचा थोड़े दसा कने पूरा दा पूरा जंगल जे ना डरावना भी लगा दा था। इंया लगा दा हा पता नहीं एनाकोंडा दा नाम सुनी ने ता कुथू एनाकोंडा हां दे उपर पाई जाना है, ते इंया डर लगा दा हा। कने अखे बखे थों दिखे सकदे कि नारियल दे पेड़ भी बड़े वारे थे। ते ए बल्कि उतना ही रास्ता था जितना कि थों दिखी पा दे, अखे बखे पूरे पूरी हरियाली हरियाली थी। कने एक बोट निकली सकदी है इतना ही हिस्सा था खाली पानी दा। ता दिखने तो बड़ा ही छैल लगा था, जिया हाँ गुजरा दे ता भी बड़ा छैल लगा था। इं लगा था जिया फिल्मा च शूटिंग होंगी ना इं हरे भरे कने इं निकलते, ते इं पूरा नजारा लगा था। ता तुम दिखी सकते कदिया ये रास्ता बने आए, ता इतना छैल लगा था जिसका मैं हिसाब बोली नहीं सकती। कने अगर तुम अगे जाते ना एक खुली दई नदी आई आती है पूरी इस रस्ते ते निकली ने, तो सामने देख सकते नारियल ही नारियल दे पेड़ है, इतने नारियल दे पेड़ है ना कि पूछा ही मत। तो छैल लगा था ना कमेंट करी ने दसने। जिया यहाँ अगे जाते ना तो बड़े बड़िया जहाजे हाँ एक लगा दा है, तो जिया यहाँ दिखते तो बड़िया बड़िया बोटा न, तो ये क्या है ना फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। अगर थोए इतू नदिया बिच भूख लगती है अगर थो खाना खाना चाहते हैं तो इतू फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है, ता वेज कने नॉन वेज दोनों ही है ने। इस सामने थोड़ा दिखा दे ने ए है गोल्डन सैंडविच, ये जेड़ा जमीन दिखा दे इस दे पार जेड़ा पानी उछला दा ना ए बीच है, कने इस तरफ जे थू आहां दसा दे ना ए है नदी। ता दिखी लिया ए आहां पूजी है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जेड़ा कि थोए दसना जरूरी था। ता इथू है ना बिल्कुल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है कने नॉन वेजिटेरियन भी है, तो दोनों तरह के रेस्टोरेंट है ना जेड़ा थोआ खाना चाहते इथू खाई सकते। कने अहां भी इथू ऑर्डर कीती दो चाय ब्लैक टी, मैं कहना हर्षिल है कने इथू ऑर्डर दिता। फिर इसके बाद अहां अगे घूमना चली आए, कहने अटी ने जल लो आए तल लो अहां चाह ली। तो इसते अगे मैं क्या दिखती है कि अगे जेड़ा है ना फ्लोटिंग कॉटेज भी है ना, अगर थू इथू समुद्रे बिच रहना चाहते ना तो तू समुद्रे बिच रह भी सकते हैं। तो सामने थू दिखा देने समुद्रे च तैरते जेड़ा ना घर भी है ना, ते स्पेशल जेड़ा ना टूरिस्टा ताई बनायो कि अगर थोए इत्थू रहना चाहते तो रही सकते न। ता दिखी ले सामने बड़े भारी कॉटेज हैं जेड़ा कि समुद्रे दे बीच तैरा दे न। कने इसते बाद अगे समुद्रे इस नदी बीच ही ना बड़ा कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं, ते तिना उपर डेकोरेटिव चीजा बनाई थी जेड़ा कि लोग दिखा दे कने खुश भी हो दे कने हाँ भी खुश हो दे। इथू ते बाद जेड़ा ना यहाँ दा जेड़ा बॉर्डर था नदी दा से खत्म हुई है, ता हाँ वापिस चली पै फिरते वापिस जाने ते बाद हाँ जाना था सीधे गोल्डन सैंडवीज। ता याद आया कि यहाँ ऑर्डर भी दिया था फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ब्लैक टी का, ता मैं कहना हर्षू जेड़ा है ना इथू ब्लैक टी पीती। ता हाँ फटाफट चले दिखाई लोग भी पूरे दे पूरे जमाने हाउस बोट है काफी इंजॉय करा दे। बड़े बड़े पत्थर है ना जेड़ा कि नदी बीच है ना, तिथु अलग अलग जेड़ा सीमेंटेड बनाए उन्हें कहना हाँ वापिस पहुंची है ये देखा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट च। कहना इथू ली अपनी ब्लैक टी, कहना सोचा गोल्डन सैंडविच चाइना ही पींदे न,
या रस्ते च अगर ठंडी हो जाती है तो हाँ रस्ते च पी लैनी है बोटा च, क्योंकि इतों टाइम वेस्ट करना मुझे लगता ज्यादा अच्छा नहीं। हाँ बीच पर ज्यादा टाइम वेस्ट करना तो ज्यादा अच्छा है, मतलब वेस्ट करना मतलब ज्यादा हाँ मजे करी सकते बीच के किनारे च। तो फिर आखिरकार हाँ पहुंची है उस बीच तक जेड़ा कि यहाँ का इंतजार था। हाँ एड्डी दूर जेड़ा है सब बोटा चाहे थे कन, जिसके बीच हाँ बड़ी भारी हरियाली भी दिखी, दिखी सकते सामने जिथु भी नजर दौड़ा पानी पानी था। कने इतो हाँ इतना मजा किया, पूछा ही मत हाँ टाइम में पता ही नहीं लग गया, इतना भारी टाइम अहाँ इतो स्पेंड किया, पर अहें लग गया कि अहें अली ऊन ही आए उथे। लास्ट लास्ट एडी गल हुई कि जेड़ा हाँ बोट की थी यहाँ बोट मतलब एक प्राइवेट बोट की थी यही यहाँ दो मतलब ओरसी करने नहीं गए है। फिर बड़ी दिक्कत होती क्योंकि कुन्नी जाना होंगे कुन्नी नहीं जाना होंगे, अलग अलग तरह के जेड़ा होंगे पसेंजर होंगे यात्री होंगे। तो हाँ एक प्राइवेट बोट कर ली यही यहाँ दो ना कहना, हाँ इतने मजे किते कहना। लास्ट जेड़ा अहदा गार्ड था ना तो सहयो सदना ही आई है दूरे ते कि तिन्हें अहें टाइम दिते हा कि थोड़ा टाइम ली इतने बजे उतो अहें मिली आने। तो हाँ अहें टाइम में तो पता नहीं टाइम कल हुई है कहना, हमें पता नहीं टाइम में हुई है कहना। फिर सहयो सदना बोले टाइम हो ही है तो फिर हम फटाफट अहाँ कुछ खाना भी खा दी क्योंकि उस गोल्डन टाइम म्यूजियम का टाइम बड़ा खुश था। हाँ अगर वहाँ राइड करना चाहते उसकी राइड भी कर सकते थे, इसके अलावा तो खाना पीना और भी कई हम सिर्फ समुद्र के किनारे ही खेलते रहे। चल वो हमें सदन के लिए आए थे समुद्र था सा बड़ा ही भयंकर था। तो हाँ ले लिया अपना नारियल पानी कने हाँ फटाफट चली पै अपनी बोटा दे बखे क्योंकि हाँ टाइम जेड़ा है ना से हो ही गया था। अहें स्पेशल सदना आए हुए कि भाई हूँ चली पुआ हूँ बड़ा टाइम हो ही गया। तो हम वापस फिरी तिस हरे भरे जंगले के बीच जेड़ा पानिए के बीच था जिथे मैं थोड़े दसिया कि एनाकोंडा की शूटिंग हुई है जेड़ा एक इंग्लिश मूवी है तीन जी यहाँ जेड़ा ना वापिस आई है। कने इतना मजा किता कने टाइम मेरा पता ही नहीं चल रहा है, लग गया कि होने गए है कने होने वापिस आई है। तो वापिस होने का मन तो नहीं हाँ करा था पर अहें आना पौना था क्योंकि यहाँ का टाइम पीरियड था एक हाँ उस टाइम में पीरियड च यहाँ वापिस होना था। तो 10 ब्लॉक दे लग गया।